एक बात बता ना, मैंने तुझे तीन ए निकाल के दिए, जो लोग बोल रहे हैं सभी को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, शाबाश। तो मैंने तुझे 3 ए निकाल के दिए, तो इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब तू बोल रहा है इस एक वर्ड के अलावा दूसरा वर्ड बना के दिखा ना 3 ए की मदद से, 3 लेटर्ड वर्ड। हाँ तो सर, जिस वेराइटी का आपने सिलेक्शन किया है उसी वेराइटी अरेंजमेंट भी होगा। बोले सर नहीं समझे, मैंने कहा जा, आपने यही तो बोला ना कि तीनों अलाइक, 3 अलाइक, फिर सर 2 अलाइक 1 डिफरेंट, और फिर सर 3 डिफरेंट। तो है बस प्रोसेस को ब्रेक करो, अब सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट की बात करते हैं, है ना। तीनों अलाइक का नंबर ऑफ सिलेक्शन का तरीका एक है, और इनको अरेंज करने का भी एक ही तरीका है। 3 लेटर्स हैं, इनको एक लाइन में अरेंज करना है, तो ऑब्वियसली सर 3 फैक्टोरियल, और तीनों एक जैसे हैं तो तीनों के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज दिस, दैट इज AAA। बहुत बढ़िया, 2 अलाइक 1 डिफरेंट। तो 2 अलाइक 1 डिफरेंट के नंबर ऑफ केसेस कितने हैं सिलेक्शन के, दिस इज सिलेक्शन मल्टीप्लाइड बाय अरेंजमेंट। तो भाई साहब ये टोटल 3 लोग हैं, इसमें से 2 एक जैसे हैं, तो उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करो ना भाई अरेंज करते वक्त। क्या ये हमारी बात हो चुकी है कि जिन लोगों का अरेंजमेंट हो रहा है उनमें से कितने एक जैसे, उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है। तीनों डिफरेंट वाले कितने केस है बेटा, 4। और जब तीनों डिफरेंट है आपकी बार किसी से डिवाइड मत करो, है ना। क्या बोलती है पब्लिक, दिस इज सिलेक्शन, दिस इज अरेंजमेंट, दिस इज सिलेक्शन। अब की बार वर्ड बन गया, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, क्योंकि दूर कर देंगे सारी दिक्कतें, खत्म। यही तो डिसाइड कर देगा, आपने जो ये लिखा है यही डिसाइड कर देगा कि अरेंजमेंट किस प्रकार की होने वाली है। SMJ बहुत जोर से, चलिए जी अब हम चलते हैं, नाम में सिर्फ एग्जांपल है, दिस इज ए चैलेंजर क्वेश्चन सीधा। कैसा क्वेश्चन है बेटा, चैलेंजर क्वेश्चन पे आते हैं कि आप केसेस बना पाते हो कि नहीं बना पाते। How many words can be formed using the letters of the word independence? और हमें 5 lettered word चाहिए। 5 lettered word का मतलब कि आप इनमें से कोई 5 letters यूज करोगे। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अभी भी बात अगर भेजे में नहीं घुसी है तो लिख लेना कि सर जब आप 5 letter word की बात कर रहे हो और यहाँ पर रिपीटेशन ऑलरेडी अमाउंट में दिख रहा है, मतलब एन जो है वो 1, 2, 3 बार आ रहा है, तो आप जो 5 लेटर का वर्ड बनाओगे उसमें एन 3 ही बार आ सकता है, 4 बार मत ले आना उसको। समझ में आएगी नहीं समझ में आया, जैसे ई आपको 4 बार दिख रहा है तो आप 4 बार भी ई को ला सकते हैं। तो बेसिकली हमें अब इनमें से कुछ 5 लेटर सेलेक्ट करने हैं और फिर उनका एक वर्ड बनाना है। तो पहले मैंने कहा मुझे बताओ कि वैरायटी क्या क्या है आपके पास, वैरायटी क्या क्या है, वैरायटी। तो आप बोलोगे सर हमारे पास में ई कितने हैं, 4 हैं क्या, 1, 2, 3, 4, मेरे साथ गिनना भाई। एन कितने हैं जरा गिनना, 1, 2, 3 है सर,
डी कितने हैं सर? डी हमारे पास में दो हैं सर, है ना। आई पी और सी एक एक है, आई एक है, पी एक है और सी एक है। चार तीन सात दो नौ, नौ और तीन बारह, टोटल बारह आ रहेगा। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ठीक है। यस और नो? तो सर हम ये बोलेंगे दैट इज ई हमारे पास में चार बार है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो चार ई है। सर तीन हमारे पास में एन है, फिर सर दो हमारे पास में डी है, और फिर सर आई हमारे पास में एक है, पी भी हमारे पास में एक है और सी भी हमारे पास में एक है। बस अब आप केसेस पे अच्छे से फोकस कर सको, इसलिए मैंने यहां पर सवाल को थोड़ा विकराल रूप दे दिया है, ठीक है। चलिए जी चले सवाल की ओर। बोले हाँ सर, आ जाओ। हाँ, पहले सर यहां पर हम बनाएंगे केसेस। यहां पर हम क्या बनाने वाले हैं सर? केसेस। आ जाइए,